नए साल में पटना नगर निगम ने आम लोगों को झटका देते हुए नगर निगम बोर्ड की 21वीं साधारण बैठक में होल्डिंग टैक्स में 15% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर लिया गया है। अब इस पारित प्रस्ताव को नगर विकास और आवास विभाग को भेजा जाएगा। यदि इसे विभाग से मंजूरी मिल जाती है तो होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। जब यह प्रस्ताव रखा गया तो कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई। इसके साथ ही बैठक में मौजूद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना काल में 15% टैक्स बढ़ाने को उचित नहीं बताया है। बैठक में उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से इसे कम करने का सुझाव दिया। केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न टैक्सों में कमी की है, तो वहीं नगर निगम पटना की जनता पर एक बार में 15% होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करना अनुचित है। इसके बाद नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर विभाग के प्रधान सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है। होल्डिंग टैक्स में 30% के बजाय 15% की बढ़ोतरी करने का फैसला निगम ने लिया है। ऐसा इसलिए कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लागू नियम के मुताबिक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रति वर्ग फुट की दर से वार्षिक किराया मूल्य में 15% बढ़ाया जा सकता है। इसके आधार पर नगर निगम के मुताबिक वर्ष 2014 से 20 तक 2 बार यानी 30% किराया बढ़ाने का वैधानिक अधिकार है। लेकिन सशक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष सीता साहू का कहना है कि पटना की जनता पर एक साथ 30% की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, इसलिए 15% ही टैक्स बढ़ाया गया है, जिसका भी कोरोना टाइम में विरोध किया जा रहा है।